हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द मैग्नम ओपस रामायण के बारे में। दिस टाइम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आदिपुरुष। आदिपुरुष का एडवांस बुकिंग सब पे डेडिकेटेड वीडियो आएगा थोड़ी देर में, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड से निकल के आ रही एक और रामायण का, यानी कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड यश स्टारर रामायण, डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी, जिसको कि मधु मेंटेना प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड अलोंग विद अलू अरविंद, ये लोग इस फिल्म को बनाने वाले हैं। बहुत ही स्केल हाई होने वाला है, बहुत ही बजट ज्यादा होने वाला है। डीएनईजी जिसने कि मास्टर का वीएफएक्स दिया था, वही इसको वीएफएक्स देने वाले हैं। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी इस वीडियो में क्या डिस्कस करना है। देखो, पिछले एक दो दिनों से ये न्यूज फिर से सर्कुलेट करने लगा है कि यश हैज रिजेक्टेड रावण रोल इन रामायण। ठीक है, ये आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा। लेकिन कल ही रात में जो बॉलीवुड मीडिया है उसने फिर से एक बार कंफर्म किया है कि नहीं, ये न्यूज जो है वो फॉल्स है, बोगस है। यानी कि यश इज स्टिल इन टॉक्स विद द टीम ऑफ रामायण फॉर प्लेइंग रावण रोल। इनफैक्ट हमको कुछ सोर्सेज से ये भी पता चला है कि यश इज कंफर्म्ड, बहुत हद तक मतलब ऑलमोस्ट साइनिंग बाकी है, बाकी ही हैज कंफर्म्ड फॉर रावण रोल इन रामायण। अभी कितना सही कितना नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत ही जेन्युइन सोर्सेस से पता चल के आया है कि यश राम तो रणबीर कपूर रहेंगे, वो तो बहुत पहले से कंफर्म्ड है। सीता माँ के रोल में हम लोग को आलिया भट्ट देखने को मिलने वाली, वो भी कंफर्म हो चुका है। बस रावण के रोल के लिए जो है वो कशमकश चल रही है अभी कि यश साइन करते हैं नहीं करते हैं। जैसे कि हम आपको लास्ट वीडियो में बताए भी थे कि एक दो छोटा सा कुछ माइनर चीजों पे बात अटका हुआ है और बहुत जल्दी वो सॉर्टेड आउट हो जाएगा। तो यही सुनने में आ रहा है कि वो सॉर्ट आउट भी हो चुका है एंड यश हैज अग्रीड टू प्ले रावण। अब देखते हैं इसका ऑफिशियल कन्फर्मेशन कितना जल्दी आता है, कब हम लोग को पता चलता है, लेकिन अब देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ही विल साइन, क्योंकि बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि यश का जिस तरह का पर्सोना है, रावण का रोल बहुत अच्छा खासा सूट तो करता है, बट हिज फैंस डोंट वांट हिम टू प्ले अ नेगेटिव रोल, वो भी रावण का ऑपोजिट रणबीर कपूर इस तरह का। और बॉलीवुड में भी मतलब बहुत सारे फैंस तो जो बॉलीवुड हेटर्स होते हैं वो भी ये भी बोलते हैं कि यार बॉलीवुड से क्यों जुड़ रहे हो, यार बॉलीवुड से दूर रहो भाई, ऐसे वैसे। तो वो सब चीजें हैं अपने जगह पे, लेकिन देखो एक एक्टर जब अपना कोई भी फिल्म साइन करता है तो वो बहुत सारी चीजें देखता है, वो उनका ये माइंडसेट नहीं होता है। तुम कोई भी साउथ का एक्टर उठा लो, उनका कभी भी उनसे पूछा जाता है कि आप बॉलीवुड फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते हो या नहीं, तो सबको यही बोलता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, तो वो हर कोई चाहता है। बट हाँ, ये भी है कि जितने बड़े स्टार्स होते हैं उनको अपने जो फैंस हैं उनके जो इमोशंस होते हैं, उनके जो सेंटीमेंट्स होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है एंड यश इज वेरी अवेयर ऑफ ऑल दैट। सो अगर ये प्रोजेक्ट में उस तरह का बात होगा, उनको उस तरह का अपील कर रहा होगा कि हाँ स्क्रीन पे आएगा तो ये फाड़ देगा, मेरे फैंस बहुत पसंद करने वाले हैं, तभी वो साइन करेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहना। तो हमको लगता है कि डेफिनेटली ये जो कॉम्बिनेशन है ये अब मटेरियलाइज होने वाला है और इस दिवाली तक हो सकता है हम लोग को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए विद द कास्ट एंड क्रू। सुनने में ये भी आ रहा था कि मतलब लुक टेस्ट वगैरह भी हुआ है, तो देखते किस तरह के वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि अगर अनाउंसमेंट करना है आपको रामायण का दिवाली के दिन पे, तो वो अनाउंसमेंट सिर्फ सूखा फूखा नहीं होना चाहिए, वो एकदम धमाकेदार अनाउंसमेंट होना चाहिए कि फिर मतलब मजा आ जाए सबको। सो देखते हैं, इस बार स्टेक्स आर एज हाई एज इट कैन गेट फॉर एनी रामायण या फिर महाभारत, इस तरह की जब कहानियां बनती हैं स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं, लोगों के सेंटीमेंट जुड़ जाते हैं, इमोशन जुड़ जाते हैं, एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो जाती है, हम सब देखा आदिपुरुष के टाइम पे। तो देखते हैं इस बार क्या होता है, क्या चीजें होती हैं और यही कास्ट मटेरियलाइज होता है कि नहीं, और भी इतने सारे कास्ट हो गए रामायण में, उसमें कौन कौन आता है। काफी एक्साइटिंग टाइम्स अहेड फॉर दिस रामायण। आप कितने एक्साइटेड हो इस कॉम्बिनेशन के लिए एंड क्या आपको लगता है कि यश को रावण का रोल करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जो भी राय है, जो भी थॉट्स होना कमेंट में बताना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम पर लिंक होगा चैनल पर, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।